VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक ऐसी सर्विस जिससे आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों मिलती है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर हैं, या होटल में हैं, या कैफे में हैं, तो वहां पर आपको फ्री वाईफाई दिया जाता है। अगर आप उस वाईफाई को कनेक्ट करके अपने मोबाइल फोन में यूज करेंगे तो इससे खतरा है कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो या फिर आपके मोबाइल फोन से डेटा चोरी कर लिया जाए। तो ऐसे में आप एक VPN एप्लीकेशन यूज करके प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्रीच से बच सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी लोकेशन पर या आपके IP एड्रेस पर कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन ब्लॉक है तो आप VPN का यूज करके उस वेबसाइट या एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। VPN में आप दुनिया भर की किसी एक लोकेशन को चूज करके वहां से अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी आपकी प्राइवेसी या सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं कर पाएगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि VPN का यूज कैसे किया जाता है, और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई चीज अगर ब्लॉक है तो VPN में आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ईशान VPN, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आप अनलिमिटेड फ्री और फास्ट VPN यूज कर सकते हैं। आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, लाइफ टाइम के लिए आप अनलिमिटेड फ्री VPN इसमें यूज कर सकते हैं। ओपन करने पर कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है क्विक और एक है लोकेशन। अगर आप क्विक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर VPN कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन का सर्वर यूज करना चाहते हैं तो आप लोकेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टॉप सर्वर और फ्री सर्वर की एक लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक है तो आप किसी दूसरी कंट्री का सर्वर यूज करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, यूट्यूब एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि अभी इंडिया में 480 पिक्सल मैक्सिमम है, इससे ज्यादा पिक्सल में आप वीडियो को नहीं देख सकते, जबकि यूनाइटेड स्टेट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। YouTube में कोई भी वीडियो प्ले करने पर 3 डॉट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वालिटी में आप देख सकते हैं मैक्सिमम है 480 पिक्सल। अब अगर हमें 1080 पिक्सल में इसको यूज करना है तो इसके लिए हमें VPN यूज करना पड़ेगा। तो VPN एप्लीकेशन में यहाँ पर हम चूज कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर ये आपसे एक परमिशन मांगेगा, आप इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए VPN कनेक्ट हो रहा है। अब ये यूनाइटेड स्टेट के सर्वर से कनेक्ट हो चुका है, जो कि आप नीचे स्क्रॉल करके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, VPN इज एक्टिवेटेड बाय ईशान VPN। इस पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि ये VPN कितने टाइम से एक्टिव है और कितना डेटा यूज हुआ है। इसके बाद बस आपको बाहर आ जाना है, और अब हम जाएंगे अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में, और इसके बाद यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और क्वालिटी में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1080 पिक्सल आ चुका है, क्योंकि अभी हमारा जो इंटरनेट है ये यूनाइटेड स्टेट के सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट आपकी लोकेशन पर या आपके IP एड्रेस पर ब्लॉक कर दी गई है तो आप VPN का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट और आपकी डिवाइस के बीच में VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आ जाता है, जिससे कोई भी हैकर या सरकार आप पर नजर नहीं रख सकती। इसके बाद जब भी आपको VPN डिस्कनेक्ट करना हो तो बस आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ डिस्कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको VPN यूज करना हो तो बस आप ईशान VPN एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, और इसमें यहाँ पर आपको क्विक बटन मिल जाएगा, आप इस क्विक बटन पर क्लिक करेंगे तो VPN यहाँ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको कोई लोकेशन भी चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर सर्वर यूज करना है तो आप यहाँ लोकेशन आइकन पर क्लिक करेंगे और फ्री सर्वर में जाकर किसी भी लोकेशन का सर्वर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का ऐड कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का सर्वर कनेक्ट हो चुका है। डिस्कनेक्ट करने का वही तरीका है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और आप बस डिस्कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो VPN यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।